हॉस्पिटल के अंदर मेरा भाई सुखदेव सिंह गोगा मेडी, उसकी उसकी बॉडी पड़ी हुई है, रखी हुई है। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। प्रशासन हमारी सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन से गुहार कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि दोषियों को पकड़ो, गिरफ्तार करो। कल से किसी को नहीं पकड़ा है। हमारे भाई का पोस्टमार्टम करने की जिद कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग पोस्टमार्टम वाला विषय तो बहुत दूर की बात है, हम लोग तो यहाँ से डेड बॉडी भी नहीं लेके जाने वाले। जो ठिकाने हैं बदमाशों के, वहां दबिश दी जा रही है। पड़ोसी जिलों में और बीकानेर संभाग में भी इस संभावित जो बदमाशों के कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे भी दबिश दी जा रही है। और हरियाणा डीजी साहब से भी हमने बातचीत कर उनका भी सहयोग मांगा है। रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। एक राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता को, जिसको सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगा रहे थे, सुरक्षा नहीं देने के परिणाम स्वरूप गैंगस्टर मारकर चले जाएं। राजस्थान की राजधानी में अपराध और अपराधियों का हौसला देखते ही बनता है, इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती। इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स खुलेआम घूम रहे हैं, घर के अंदर घुस के हत्या कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट सॉरी थी क्या? इनको पता नहीं था क्या कि ये सब चीजें हो रही? इसका मतलब कम्प्लीटली इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, कम्प्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हुआ है। और अब तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है।